टॉप फाइव लोन एप्लीकेशंस जो कि टॉप फाइव फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं। इन पांच लोन एप्लीकेशन से लोन कभी मत लेना। अगर आपने गलती से या फिर अनजाने में जो है वो इन लोन एप्लीकेशन से जो है वो लोन ले लिया है तो मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसी की सारी तफसील जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंसर शहजाद, आप देख रहे हैं टेक्निकल शिशु। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन लोन एप्लीकेशंस के तरीका वारदात के बारे में, यानी कि पहले आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर लोन अप्रूव होता है और फिर जो है वो आपको एक डेट दी जाती है कि लोन किस तारीख को जो है वो आपने वापस करना है। अगर आप ना वापस करें तो आपको जो है वो वार्निंग्स दी जाती हैं कि इस डेट तक जो है वो आपकी लोन की अमाउंट जो है वो रिटर्न आ जानी चाहिए, नहीं तो आपको जो है वो सूद 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 जो है वो चार्ज होता रहेगा। अगर आपने जो है वो लोन की अमाउंट वापस ना की तो हम जो है वो आपका डेटा लीक कर देंगे, हम आपके रिलेटिव्स को कॉल करेंगे, हम जो है वो पुलिस बुला लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो फिर इस तरह की धमकियां जो है वो लोन एप्लीकेशन वाले जो है वो जिसने लोन लिया होता है उसको दी जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं टॉप फाइव फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जो लोग लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये टॉप फाइव फ्रॉड एप्लीकेशंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन लोगों के लिए है। उस टॉपिक पर भी हम आएंगे कि अगर आपने जो है वो अनजाने में या गलती से लोन ले लिया है तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है। तो सबसे पहले आती है बरवक्त लोन एप्लीकेशन। मोस्टली ये होता है यहाँ पर जो लोग भी अकाउंट क्रिएट करते हैं उनको जो है वो 2000 या 5000 से ज़्यादा का ऊपर का लोन जो है वो पहली मर्तबा नहीं दिया जाता। अगर आपका 5000 का लोन जो है वो अप्रूव हो जाता है बरवक्त एप्लीकेशन की तरफ से तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 2000 का सूद भी जो है वो 2000 से ऊपर का भी हो सकता है। 5000 की अमाउंट के ऊपर आपको जो है वो अच्छा खासा सूद जो है वो बरवक्त एप्लीकेशन वाले चार्ज कर दें, तो लिहाजा इस एप्लीकेशन से जो है वो आपने बचकर रहना है। नंबर टू इजी लोन, नंबर थ्री उधार पैसा, नंबर फोर ज़रूरत कैश और नंबर फाइव है आपका स्मार्ट कर्ज़ा। तो इन पाँच एप्लीकेशन से जो है वो आपने बचकर रहना है। अगर आपने यहाँ पर 2000 से लेकर या 5000 या 10000 या 50000 रुपये तक का लोन ले लिया तो समझ लें कि आपको जो है वो जितनी लोन अमाउंट है उतना ही जो है वो आपको सूद जो है वो इनको पे करना पड़ सकता है। तो अगर आप इनका सूद या लोन जो भी इन लोगों ने दिया है या जो भी ये लोग खुद से ही चार्ज कर रहे हैं, अगर आप इनका जो भी अमाउंट है वो वापस नहीं करते तो ये आपको धमकियाँ देते हैं, आपको जो है वो डराते हैं कि हम जो है वो आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोस जो है वो मोबाइल से हमने हैक कर ली थी, अगर आपने हमें जो है वो हमारी अमाउंट वापस ना की तो हम जो है वो आपकी तस्वीरें और आपकी वीडियोस जो है वो पब्लिक कर देंगे। इसके अलावा ये पुलिस वाले बन के बात करते हैं, इसके अलावा ये मुख्तलिफ जो है वो वकील बन के बात करते हैं कि जैसे पता नहीं ये क्या कर देंगे और ये क्या ही जो है वो उखाड़ लेंगे। तो इस तरह से जो है वो लोगों को डराते हैं। अब जो शरीफ आदमी होते हैं वो तो डर के जो है वो इनकी लोन अमाउंट की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो पे करते रहते हैं और अभी तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस स्कैंडल में जो है वो फंसे हुए हैं और इनको जो है वो लोन अमाउंट जो है वो सूद के साथ जो है वो वापस कर रहे हैं और वो शरीफ आदमी है जो पे कर रहे हैं। जो बाकी दूसरी कैटेगरी के लोग हैं यानी कि जो डरते ही नहीं हैं इनसे और ना ही इनकी किसी कॉल से और ना ही इनकी किसी बदमाशी से, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें अगर ये इतने ही ज़्यादा तुन्नम खान है यानी कि लोगों के मोबाइल से जो है वो डेटा हैक कर लेते हैं और पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस वगैरह हैक कर लेते हैं, तो अगर ये इतना ही ज़्यादा बरवक्त का ये जो इदारा कह लें आप काम कर रहा है पाकिस्तान में, अगर इसकी जो स्टाफ है इतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो लोन सप्लाई करता तो वो कोई और ना काम करता। अगर इतने ही बड़े हैकर जो हैं वो दुनिया के बरवक्त एप्लीकेशन ने जो है वो हायर किए हुए हैं कि लोगों के मोबाइल से जो है वो डेटा भी निकाल लें, वीडियोस भी निकाल लें, और बरवक्त एप्लीकेशन जो है वो एक अपनी वेबसाइट बना के बैठा है और वहाँ पर जो है वो लोगों की पर्सनल पिक्चर्स वगैरह और पर्सनल वीडियोस वगैरह जो है वो लीक कर रहा है। तो ये सारी इनकी जो है वो खाली बदमाशियाँ हैं और ऐवें बकवास है, कोई डेटा वगैरह हैक नहीं कर सकते ये लोग
और ना ये किसी के मोबाइल से जो है वो पिक्चर्स जो है वो हैक कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने आज तक कोई भी वीडियो या पिक्चर जो है वो हैक की होती तो अभी तक जो है वो हमारे सामने कुछ भी ऐसा बरवक्त का जो है वो सामने नहीं आया कि इन्होंने जो है वो किसी की वीडियो या किसी की पिक्चर्स वगैरह जो है वो पब्लिश कर दी। तो जिन लोगों ने इन एप्लीकेशन से जो है वो लोन लिया हुआ है उनको लगता है कि ये ज़्यादा सूद जो है वो चार्ज कर रहे हैं और हम जो है वो सूद नहीं दे सकते, तो उन लोगों को इन एप्लीकेशंस वालों के फ़ोन कॉल से या फिर इनकी किसी भी धमकी से जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। ना ये आपको गिरफ़्तार कर सकते हैं और ना ये आपका डेटा या आपकी वीडियो जो है वो पब्लिक कर सकते हैं। इनके पास एक ही ऑप्शन होता है एंड में, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं अगर किसी ने कर्ज़ा लिया होता है तो लीगल ऑप्शन होता है उसके ऊपर केस फाइल करने का, वो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का, तो कोर्ट केस का ऑप्शन है इनके पास। बाकी अदरवाइज़ ये आपको जो है वो खाली धमकियां ही दे सकते हैं, इसके अलावा ये आपके साथ कुछ और नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I can't even get this.